हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो बिहार टीचर के ऊपर है। ओके, बीपीएससी टीचर के ऊपर हमारा जो है सेशन है। तो जो टॉप जीके के क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ओके, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। यानी कि मध्य प्रदेश से माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लें। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह राजस्थान की बारहमासी नदी मानी जाती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। माही नदी के उपनाम, माही नदी को आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, बागर की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बंसवारा जिले के खांडू के पास प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं। यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी, जिसे जायरी नदी भी कहते हैं, कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। माही नदी पर निर्मित बांध, माही बजाज सागर बांध, बोरखेरा गांव, बांसवाड़ा, कादाना बांध जो कि पंचमहल गुजरात में है, वना कबोरी बांध जो कि खेड़ा गुजरात में है। यानी कि माही नदी पर निर्मित बांध जो है, पहला नाम है माही बजाज सागर बांध, दूसरा कदाना बांध, तीसरा वनाक बोरी बांध। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां, सोम नदी, जाखम नदी, इरू नदी, अनास नदी, पनाम, हरन नदी, चाप नदी, मोरेन नदी, ईटीसी। अब है शुष्क बर्फ क्या है? जमी हुई बर्फ, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ पानी, जमी हुई ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। यानी शुष्क बर्फ जो है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ के बारे में कुछ जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2 का ठोस रूप है। गैर चक्रीय प्रशीतन नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन का उपयोग करके शुष्क बर्फ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। यह खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकती है। वह हेलोजन है जिसका उपयोग पिराहारी की तरह किया जाता है। वह हेलोजन कौन सा है जिसका उपयोग पिराहारी के तरह किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। यानी कि आयोडीन वह हेलोजन है जिसका उपयोग पिराहारी के तरह किया जाता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे यह आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किस धातु से बनी होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जकब ब्रेजेलियस ने की थी। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जकब ब्रेजेलियस ने की थी। मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? क्वेश्चन है, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा तांबा, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य जो है तांबा का प्रयोग किया था, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य जो है तांबा का प्रयोग किया था। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तांबा या ताम्र अंग्रेजी में जिसे कॉपर कहते हैं, एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu है, इसको Cu से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। तांबा की परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। तांबा जो है एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। इस तरह के मैं वीडियो डेली लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।